Okay, good morning to all of you and welcome back. So, we have almost reached end of April. In fact, next class will be what? In May. So, our relationship or our classes are almost 1 month old now. So, more people are joining. I'm just admitting them now, right now. Chika, Arnav, Om, Sagarika, all lined up. And Sayatar is V. ठीक है, तो आज हम लोग सोच रहे थे कि कुछ एक तो डिफरेंशिएशन के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लिया जाए, नंबर वन, और नंबर टू इज दैट बाउंसिंग बॉल के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, है ना? तो किस तरीके से करें, सजेस्ट करो जरा, है ना? तो मे बी मेरे पास जो है, आई होप आई हैव द assignments in this mobile, you know, I hope so. I'm just going through the entire this thing. बहुत कुछ है actually. चलो ठीक है, कुछ तो मिला मुझे. हाँ, differentiation का assignment मिल गया. तो एक काम करते, थोड़ा systematically किया जाए. इसमें जो है ना, first seven मैंने बोला था कि इसको छोड़ देना. वो actually इसलिए मैंने बोला था because they are based on what is called as differentiation by first principle. So that is there only relevant for maths. I mean, तो इसलिए मैंने बोल दिया था कि भाई इसको रहने दो. तो इस पेज में मुझे दिख रहा है 8th से लेके 12th तक, है ना? 8th से लेके 12th तक. अब देखो, सारे डिटेल में सॉल्व करूंगा उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा. What I would do is that I would just give you some hints. तो मे बी एक काम करो, बहुत ज्यादा माइक्रोफोन में भी दिक्कत आता है, इसलिए काम करो, मैं चैट वाले पे वो कर देता हूँ. मे बी यू कैन जस्ट सेंड रिक्वेस्ट इन द चैट. क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक किसी को डाउट है? अच्छा, इसका मैंने सोल्यूशन भेजा है क्या? अच्छा नहीं, आंसर चॉइस भेजा है मैंने, ये आंसर भी नहीं भेजा है. तो ठीक है, दे हमने पूछा. अच्छा, 9th का एक पूछा है किसी ने, ठीक है? मैं समझ गया. एक तो ना पावर और थोड़ा सा लॉग को लेके इश्यूज आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, एक दो क्वेश्चन ना उसके ऊपर दे देता हूँ या उसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ. फाइन, एक तो ध्रुव ने बोला 9th क्वेश्चन. हाँ, 9th क्वेश्चन में वही है, पावर ही है. और एक देहम ने पूछा है, एंड दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एक्स. हर्षित इज ऑन द वेटिंग. अच्छा अच्छा, अब आ गया, अब डाउट नहीं है. चलो ठीक है, एक्स टू द पावर एक्स का ही करते हैं, है ना? दैट वुड बी ओके. चलो, एक अगर मान लो ये क्वेश्चन होता है, सपोज वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स. तो मैं ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं कह रहा, ये इन जनरल कह रहा हूं. मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं, बट मैं एक तो और दे देता हूं, जैसे वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, y is equal to x to the power some log कुछ, है ना? ओ अच्छा, यहाँ पे लाइट चमक रहा है, क्या करें? हेलो भाई, so you want to see, then I have to block the light somehow. ये देख, अब लाइट ब्लॉक हो रहा है. So this is actually y is equal to a to the power x.
व्हेन आई ब्लॉक द लाइट देन यू आर एबल टू सी इट, है ना. और एक हो गया y इज इक्वल टू x टू द पावर log समथिंग. तो ये मैंने समथिंग बोला, log कुछ भी हो जाए तो एक जनरल टाइप का क्वेश्चन हो गया, सो दैट यू कैन यू नो सॉल्व इट इन जनरल, ठीक है ना. और भी क्वेश्चन है, एक देव ने पूछा इज दैट फंक्शन जैसे एफ डैश एक्स जैसे क्वेश्चंस एक बार समझा दो. अच्छा लेफ्ट साइड लिख दो. अच्छा यहाँ ना इस रीजियन को क्या ना यहाँ पे बहुत लाइट है, तो देयरफॉर एक काम करता हूँ इस रीजियन को आउट ऑफ बाउंड कर देता हूँ. सो देयरफॉर व्हाट आई एम डिस्कसिंग यू कैन यूज इन क्वेश्चंस लाइक वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स काइंड ऑफ, फिर y is equal to x to the power log dot 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 dot, इस तरीके से टाइप ऑफ questions, है ना. उसके लिए जो जनरल सोल्यूशन है वो इसी तरीके का होगा. तो ये जो तरीका मैं अपना रहा हूं इसको यहां पे भी यूज कर सकते, ठीक है ना. तो एक काम करो, इसको log ले लो, यानी log y is equal to x log x. आप विद रेस्पेक्ट टू वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, वन बाय वाई इंटू डी वाई डी एक्स. ये वाला मेथड मैं इसलिए अपना रहा हूं क्योंकि तो ये क्वेश्चन तो फिर भी हो जाएगा, ये क्वेश्चन इतना वो नहीं है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन ये वाला भी होता है, ये वाला भी होता है, और भी टाइप के देखना तुमको मिल जाएंगे वंस यू स्टार्ट डूइंग योर पेपर टू डे. तो ऐसे में ये बेस्ट मेथड है क्योंकि ये जनरलाइज्ड मेथड, और भी कई बार कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक मेथड निकल आता है. अब वो तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे और एक्सपीरियंस बढ़ेगा, बट आई थिंक दिस वन वे ऑफ यू कैन डू इट. तो लाइक ये प्रोडक्ट रूल लगा देता हूं मैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x 1 into log x प्लस x तो है ही है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 by x, तो यानी x by x, तो यानी log x minus 1, तो यानी dy dx is equal to y into log x sorry plus 1, ठीक है. सो देयरफॉर dy dx इज इक्वल टू y, y मतलब क्या, x टू द पावर x इनटू देख लो, ठीक है. ये इसके अप्रोच बन सकता है, आई होप दैट्स ओके. नाउ अंश अग्रवाल इज गिवन एन अल्टरनेटिव. एक्चुअली मैं एक चीज बताऊं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में कई बार मल्टीपल सॉल्यूशंस आ जाते हैं. अच्छा मल्टीपल मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन आ जाते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वाला मेथड सही है गलत है, मेथड तो कई सारे सही हो सकता है. व्हाट ही सेइंग इज दैट इसको हम e टू द पावर x के फॉर्मेट में, e टू द पावर समथिंग के फॉर्मेट में ना लिख लें, चॉइस इज योर्स, दैट्स टोटली योर चॉइस. और कई बार देखना फॉर्मेट्स या कई बार अलग अलग तरीके से क्या होता है उसके आंसर का कई बार थोड़ा सा लुक भी अलग आ जाता है, हल्का सा, खास करके इंटीग्रेशन, तो कई बार होता है मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, तो ठीक है. बट देन अल्टीमेटली व्हेन यू पुट वैल्यूज इवन इन दोस मल्टीपल टाइप ऑफ आंसर्स दैट यू गेटिंग यू विल स्टिल गेट द सेम वैल्यू, दैट्स व्हाट हैपेंस, ठीक है ना. तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो लॉग लेके देखना, सिंप्लीफाई करो, दैट इज द बेस्ट. फाइन, चलो. तो लाइक और कुछ क्वेश्चन, हाँ मैं आ रहा हूँ और भी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ. ठीक है, अरियंत ने ऑलरेडी आंसर दे दिया, देव ने भी दे दिया, नहीं देव ने कुछ पूछा है शायद 24. चलो ठीक है, तो यानी 8 से 12 तो और कुछ नहीं है फिर, तो मैं फिर दूसरे में चलता हूँ. अरे कहाँ गया ये, पढ़ एक जगह तो है नहीं, तो सारा मिक्सअप हो जाता है, सर्च है. इन द मीनवाइल और क्वेश्चन नंबर बताओ जरा, 8th 12th के बाद मैं तब तक ढूंढ ही लूंगा कुछ ना कुछ करके, तो मिल ही जाएगा.
मिल गया। अब 13 तो ऑनवर्ड्स आ जाओ, तो 13 से लेके मे बी क्या है इसमें 33 तक, इसमें किसी में दिक्कत है? थर्टीन से थ्री, अच्छा, ये 12th का भी था। चलो मैं देखता हूँ फिर, 12th का जो है, अच्छा 12th के लिए मैं एक हिंट दे देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखो। पहली बात तो दो ब्रैकेट है ना, दो ब्रैकेट है, ठीक है, तो दो ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट को पहले खोल दो, वो तो कर ही लोगे। तो क्या आएगा, एक में वन आएगा, एक में टेन कुछ आएगा, एक में टेन कुछ आएगा और एक में टेन कुछ इंटू टेन कुछ आएगा, तो इस तरीके से आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट करो तो चलिए चार ऑप्शन आएंगे। तो उसमें उसमें एक चीज बता देता हूं, वो देखो ध्यान से, एंड दैट इज जस्ट लाइक इफ वाई इज इक्वल टू टेन एक्स, टेन एक्स प्लस थीटा और टेन थीटा माइनस एक्स, तो डीवाई डी एक्स क्या क्या हो जाएगा, इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स, दिस विल बी सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस थीटा और दिस विल बी माइनस ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस एक्स, ठीक है। डीवाई डी एक्स ध्यान रखना, थीटा इज सम कांस्टेंट, थीटा इज सम कांस्टेंट, अब तो हो जाएगा आई थिंक, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या टेन पाई बाई एट माइनस एक्स, तो यानी ये वाला यूज करोगे, दूसरा है टेन एक्स प्लस पाई बाई एट, तो ये वाला यूज करोगे और फिर डिफरेंशिएट करो और पहले मल्टीप्लाई कर लो, या एक काम करो इन दोनों को अलग अलग यूनिट ले लो, तो एक को वन ले लो एक को टू ले लो, अब प्रोडक्ट रूल लगा लो, दिस इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला ब्रैकेट इंटू पहले वाले का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में बेसिकली इस टाइप के दो पैरामीटर्स या दो फंक्शन तुमको मिल रहा है, तो इसमें पाई बाई एट वगैरह दिया हुआ है, ठीक है ना, तो वो इस तरीके से करके अपना है ना सॉल्व कर लो, हो जाएगा आई थिंक। अच्छा आदित्य सेठ की वो मॉड वाले बता दीजिए थोड़ा सा, मॉड्यूलस वाला कैसे करना होता है। आदित्य आई थिंक मॉड्यूलस वाला एक क्वेश्चन मैंने कराया था उस दिन, तो आई होप दैट वॉज, इनफैक्ट फिर मैंने अगले दिन शायद उसका ग्राफ भी कराया था या नहीं कराया था, वो भूल गया था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैंने मॉड्यूलस के ऊपर एक बार क्वेश्चन कराया था, आई थिंक यू आर एब्सेंट ऑन दैट डे प्रॉब्ली। चलो खैर एनीवे मैं देखता हूँ, 12th का हो गया। अच्छा इसके बाद है 19 21 22 23, अच्छा 19, बेटे 19 का तो वही करो ना कि लॉग ऑफ वो उसको जेड ले लो, है ना, उसको जेड ले लो तो ठीक रहेगा, तो यानी 19 में ये काम करो, इसको जेड ले लो, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना रूट अंडर एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है ना, उसको पूरा जेड ले, तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन टू द पावर माइनस सॉरी हाफ माइनस एक्स प्लस वन टू द पावर हाफ, ये हो गया जेड, तो डीजेड डीएक्स क्या आ जाएगा, है ना, तो डीजेड डीएक्स हाफ सामने आ जाएगा और टू द पावर माइनस हाफ, तो एक्स माइनस वन टू द पावर माइनस हाफ माइनस हाफ एक्स वन टू द पावर माइनस हाफ, क्यों, क्योंकि एक पावर घटेगा, तो ये डीजेड डीएक्स आ गया, है ना, तो अब एक काम करो वाई को लिख लो एस लॉग जेड, तो dy dx इज इक्वल टू dy dz इंटू dz dx। अब dy dz क्या है, तो dy dz हो जाएगा 1 बाई z और z तो है ही पूरा एक्सप्रेशन, है ना, इंटू, तो ये पुट कर देना इंटू dz dx, तो dz dx तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ये जो पूरा है ये है dz dx। अब देख लेना शायद कुछ रैशनलाइज वैशनलाइज कुछ कुछ करके कुछ हो सकता है, जरूरत पड़े इसके आगे, तो लाइक नाउ यू कैन प्रोसीड एंड गेट द आंसर, नाउ प्रोसीड फ्रॉम हाँ बेटे सर, क्वेश्चन नंबर 19 डिफाइंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लॉग की जो अंदर वैल्यू हर बार नेगेटिव होगी वो पॉसिबल नहीं है,
नहीं हो सकता है कि यू नो उसको मॉड लगा देंगे, वो तो कोई बात नहीं, वी कैन अप्लाई मॉड, दैट्स नॉट एन इशू. ठीक है, देखो वो तो एक अंडरलाइन प्रीमाइस है कि लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड है. तो इन केस देयर इज सम फंक्शन व्हिच इज गिवन कि भाई ये फंक्शन है, सपोज किसी ने कह दिया, तो ठीक है, देन वी विल टेक द मॉड एंड द पॉजिटिव वैल्यू, नो अदर वे यू कैन इंटरप्रेट इट. जो जो बता रहे हो गलत नहीं बता रहे हो, बट अगर क्वेश्चन में कह दिया कि नहीं ये मान लो, तो ठीक है, हम इसी तरीके से मानेंगे कि भाई वो नेगेटिव आएगा और हम उसको पॉजिटिव बना ले, है ना, दैट्स द ओनली वे यू कैन हैंडल. ठीक है ना, उसके बाद है 28 भी है, अच्छा 21 भी है बेटे. अब 21 तो एग्जैक्टली इसी तरीके से, बस ये कि जेड के जगह साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ले लो और उसी तरीके से प्रोसीड करो. ठीक है ना, 21 हो गया, फिर 22. अब देखो 22 में पता क्या है, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ रिपीटेटिव डिफरेंशिएशन. जैसे x माइनस 1 है टू द पावर माइनस 1, उसको डिफरेंशिएट करो, है ना, तो वो जो बनेगा उसको फिर डिफरेंशिएट करो, तो वो तो x टू द x माइनस 1 टू द पावर समथिंग आता जाएगा, और हर बार डिफरेंशिएट करो तो वो समथिंग बदलता जाएगा पावर, और उसका एक फैक्टर जो है सामने आता जाएगा. तो यू विल गो ऑन गेटिंग कलेक्टिंग सम नंबर्स इन द बिगिनिंग एंड देन x माइनस 1 टू द पावर सम पावर दैट विल गो ऑन हैपनिंग. ठीक है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा ट्राई करो, 22 सोम दोबारा ट्राई करो, आई थिंक हो जाएगा. बस एक लिख लो fx इक्वल टू x माइनस 1 टू द पावर माइनस 1, है ना, तो उसके बाद डिफरेंशिएट करते जाओ. आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू इट, है ना. जस्ट एक जनरल फैक्ट मैं बता देता हूँ, एंड दैट इज इफ y इज इक्वल टू x माइनस e, क्योंकि हर बार x माइनस 1 आएगा कोई गारंटी नहीं, x माइनस a टू द पावर n, इन दैट केस dy dx इज इक्वल टू n इनटू x माइनस a टू द पावर n माइनस 1. यानी यू माइट से नहीं, आपने जो रूल बताया वो तो y इज इक्वल टू x टू द पावर n के लिए बताया, ऐसे नहीं है, वो x माइनस a के लिए भी सेम ही रूल है, कोई अलग सा रूल नहीं. ठीक है ना, वही देखो n सामने आ गया और वो चीज एज इट इज है और एक पावर घट गया, तो कोई अलग सा रूल तो नहीं है, है ना, सो यू कैन डू इट नाउ. में तेईस भी है, तेईस भी सेम चीज है बेटे. ठीक है ना, तेईस भी सेम चीज है, x माइनस 1 और x प्लस 1, तो उसको एज ए प्रोडक्ट रूल या जो भी रूल लेना चाहते हो तो दो तीन बार डिफरेंशिएट करने का, तीन बार डिफरेंशिएट करने के लिए बोला. ठीक है ना, तो दीज क्वेश्चंस आर स्लाइटली लॉन्गर, बट आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू इट. ठीक है ना बेटे, तो ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए. वैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करें 23 में, और कौन सा क्वेश्चन बता रहे, 23 ही है, हाँ ठीक, 23 में काम करो, है ना, 23 में हल्का सा डिफरेंट अप्रोच मैं बताता हूँ, हल्का सा, और सब्स्टिट्यूशन करके थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो 23 में. एंड दैट इज एक काम करो, राइट एफ एक्स एज इक्वल टू, तो राइट एक्स एज इक्वल टू cos 2 थीटा. ठीक है ना, तो अगर fx को cos 2 थीटा लिखोगे तो हो जाएगा माइनस करो तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला 2 cos स्क्वायर थीटा. ठीक है ना, तो यानी tan स्क्वायर थीटा आ गया, तो माइनस लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अब tan square theta, अब tan square theta को differentiate करते हैं. ठीक है ना, तो तीन बार डिफरेंशिएट करना. ठीक है, तो tan square theta का differentiation हो जाएगा, एक बार differentiation हो जाएगा 2 tan theta into sec square theta. ये ultimately फिर product rule में आना ही पड़ेगा. देखो बच नहीं सकते, कई बार थोड़ा सा ट्वीक करके इधर उधर कर सकते हो 19-20, बट एकदम से कोई जादूगर का टेक्निक नहीं है. तो देयरफॉर इवन दिस आल्सो यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंशिएशन इन स्टेप्स 3 टाइम्स एंड देन फाइंड द आंसर. ठीक है ना, दैट इज व्हाट यू कैन सजेस्ट, कैन बी सजेस्टेड.
23 के बाद 24 भी है, 24 में क्या है? अच्छा जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 3x-1, ठीक है समझ गया। पहले ना जी एक्स को समझ जाओ, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं 24 में फाइंड जी डैश एक्स, मतलब डी जी डी एक्स पूछा है, तो देखो तुमको जी को फॉर्मेट करना पहले। आई होप अच्छा यहाँ लिखना नहीं, देखो पहली बात तो जी एक्स क्या है वो समझो, एफ ऑफ 3x-1, तो पहली बात तो एफ एक्स क्या है ना, तो जी एक्स इज एफ ऑफ 3x-1, नहीं हो जाएगा एफ ऑफ 3x-1। तो अगर इसको डीएफ डीएक्स करते हो ठीक है ना, तो जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 3x-1, यानी डी जी डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, एफ डैश 3x-1, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं कि एफ डैश एक्स है क्या, 1/x²+1, ठीक है, एफ डैश एक्स होता है 1/x²+1, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, एफ डैश के अंदर अगर एक्स रहता है तो वो एक्स में यहां पुट करूंगा तो आएगा, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, मैं एक्स के जगह यहां पे क्या 3x है, 3x-1 है, यानी इक्वल टू 1/3x-1² ठीक है ना, प्लस 1, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। देखो न्यूमरेटर में 3 नहीं आना चाहिए सर, क्योंकि हम कर रहे हैं डी एफ ऑफ 3x-1/dx, तो वो हो जाएगा 3x-1 डी ऑफ 3x-1/dx इनटू डी ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 3x-1/डी ऑफ 3x-1, चेन रूल्स है। नहीं नहीं जी एक्स बोलना है कि एफ एफ ऑफ 3x-1, यानी जी डैश एक्स क्या होगा ना, एफ डैश 3x-1, दोनों का डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स होगा ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा वो, विद रिस्पेक्ट टू 3x-1 तो नहीं होगा। हाँ तो मैं एक काम कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा हाँ एफ डैश एक्स बोल रहा है ना, इज इक्वल टू 1+this1, हाँ तो यानी अगर मैं एक्स पुट कर रहा हूँ, दैट्स राइट एक्चुअली क्या है ना कि दैट्स राइट, यानी एफ डैश एक्स हो जाएगा एफ डैश 3x-1 हो जाएगा इक्वल टू, है ना, इसको अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो एफ डैश मतलब 3 times एफ डैश एक्स, नहीं ये भी नहीं बनेगा, एक्चुअली ये भी नहीं बनेगा, एक्चुअली अगर देखा जाए तो जी एक्स तो ये आ गया एफ डैश ऑफ 3x-1, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ एक्स के जगह 3x-1 पुट कर रहा हूँ, यानी उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, यानी इनटू 3 आ जाएगा, है ना, यानी 3x-1 का भी डिफरेंशिएशन इनटू 3 आ जाएगा, ठीक है ना, ये चीज आ जाएगा, एक बार देख लो, ठीक है सर। हाँ जी बेटे, सर पहले हम एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करके एफ ऑफ एक्स के वैल्यू नहीं निकाल सकते, वो तो एक और लंबा कहानी हो जाएगा फिर, है ना, अभी तो मान लो अगर डिफरेंशिएशन किया तो इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं, अभी हम तो ये अज्यूम करके चल रहे है या नहीं, ये चीज है। उसके बाद वी क्यों आया, अब बोल रहे हैं कि एफ एक्स स्क्वायर दे रखा है, है ना, 28 में
28 में f x square दे रखा है, x4 plus x cube plus 1. सर इनटू 3 क्यों होगा? एक्चुअली हमने इसको ये कर दिया कि f dash 3x minus 1 is equal to इसको डिफरेंशिएट, मतलब ये मेरा फंक्शन हो गया. मतलब इसको एक काम करो, z पुट कर लो. जैसे सपोज मुझे ये निकालना है तो मैं एक काम करता हूँ, z is equal to 3x minus 1 कर दूँ, है ना? तो dz मतलब अब ये हो जाएगा f, मतलब बेसिकली g हो गया अब fz, ठीक है ना? g हो गया बेसिकली fz और z को कर दिया 3x minus 1. अब मुझे क्या निकालना है, है ना? तो मुझे निकालना है ये dz dx हो गया. तो अगर dz dg dx निकालना है तो ये हो जाएगा दिस रेस्पेक्ट, तो यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू z, है ना? तो f dash z ये वाला, मतलब तो इसको लिख लो नोटेशन वाइज. अगर देखोगे तो एक काम करो, इसको लिख लो dg dz इनटू dz dx, ठीक है? तो dz dz मतलब क्या हो गया, मतलब इसके डिफरेंशिएशन. तो वो तो दे रखा है x square plus 1, तो x के जगह हमने जो है 3x minus 1 पुट कर लिया. और जो dz dx है, dz dx है वो हो गया 3, तो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग 3, ठीक है ना? अब देखो, अब आ जाओ 29. 29 में है, नहीं 28 में किसने शायद पूछा, f x square is equal to x4 plus x cube plus 1, ये हो गया, है ना? f x square is equal to x4 plus x cube plus 1, है ना? ठीक है, तो मैं काम करता हूं, मैं x square को फिलहाल जो है z पुट करता हूं. यानी मैं लिख सकता हूं f z is equal to, है ना? अगर इस पर z लिखता हूं तो ये हो जाएगा क्या ना, z square plus z to the power 3 by 2 plus 1, ये आ रहा, ठीक है? तो एफ एक्स फोर पूछ रहे, है ना? तो अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं पुट करता हूं एक्स फोर को एज सपोज टी, तो एफ एंड दैट इज इक्वल टू एक्चुअली जेड स्क्वायर, है ना? तो एक्स फोर क्या हो गया ना, जेड स्क्वायर आ गया. तो एफ टी क्या होगा, है ना? एफ टी हो जाएगा टी स्क्वायर. एफ जेड अगर ये होता तो एफ टी क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस t टू द पावर 3 बाय 2 प्लस 1. अब बोल रहे हैं f डैश x4 निकालो, यानी dt dx निकालने के लिए बोल रहे हैं, है ना? तो f डैश x4 मतलब बेसिकली इट इज आस्किंग डिफरेंशिएट दिस, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, दिस इज ft, ठीक है? तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इसको विद रेस्पेक्ट टू टी कर लो, एफ डैश टी, है ना, इनटू डीटी, क्योंकि हमने इसको जेड के टर्म्स में लिखा है, ठीक है ना? तो इनटू डीटी डी जेड इनटू डी जेड डीएक्स, ठीक है? अब सब हो जाएगा टी इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो इससे dt dz आएगा, dz dx क्या हो गया इससे आ जाएगा, और f dash t, तो उससे तो सॉल्व कर ही लोगे आप, है ना? तो मैंने t को x4 पुट कर दिया, तो उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. उसके लिए मैंने क्या किया, पहले विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया,
फिर टी को विद रेस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट किया और जेड को विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट, तो ये चेंज। अब बाकी तो वैल्यूज तो तुम्हारे सामने ही है ना। नाउ प्रोसीड फ्रॉम दिस। सर वेटिंग रूम चेक कर लो एक बार। ओह अच्छा अच्छा सर। ठीक है अब देख लो चेक करके। अच्छा एक मेरा रिकमेंडेशन रहेगा इस दैट अभी इनवर्स फंक्शन का रहने दो। जैसे फंक्शन हमने पढ़ा है अब उसका एक इनवर्स जनरेट करना पड़ता है फिर उसको डिफरेंशिएशन वगैरह भी है तो मे बी उतना स्किप कर दो बिकॉज दैट्स लाइक गेटिंग इनटू टू मच ऑफ मैथमेटिक्स नाउ। ठीक है ना। तो इनवर्स के कुछ जो क्वेश्चन है लास्ट के मैं देख रहा हूँ तीन चार तो उसको रहने दो है ना जस्ट पुट डिसाइड क्योंकि फिर इनवर्स एक खुद एक टॉपिक है कि अगर एक फंक्शन दिया हुआ है तो उसका इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं तो दैट इटसेल्फ बिकम्स अनदर टॉपिक फिर उसके एक डिस्कशन करना पड़ेगा फिर है ना। तो लेट्स लीव दोस इनवर्स क्वेश्चंस हमें अब क्योंकि मैथ्स के बुक से लेने का ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ शायद मुझे लगता है कि मुझे लगता है उसका क्वेश्चन आया हुआ है कुछ मॉड का है ना जैसे 27 कुछ कह रहे थे ना मॉड का क्वेश्चन करने के लिए तो एक मैं मॉड का क्वेश्चन कर देता हूं तो आई थिंक दैट विल गिव यू अ गुड आइडिया। दैट विल गिव यू अ गुड आइडिया और वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का मॉड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर का मॉड लाइक वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का मॉड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर का मॉड। ठीक है एक मैंने मॉड के क्वेश्चन उस दिन भी कराया था ठीक है ना तो लाइक ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा और तुमको फाइंड आउट करना एफ डैश एट थ्री बाई बेसिकली एट एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू हमें उसका डिफरेंशिएशन निकालना। देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है प्लस माइनस वन है ना तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा कि एक्स जब लेस देन माइनस वन है ना क्योंकि माइनस वन से अगर लेस होगा तो ये बड़ा होगा फिर तो एज इट इज होगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन x greater than 1 y is equal to x square minus 1 lekin y agar between plus 1 and minus 1 hai so in that case y is equal to 1 minus x square theek hai ye range important hai ek ek range ko acche se study karo dusra x square minus 4 to isse hi pata chal raha hai ye wale mod ka ke upar to main basically x square minus 1 ka mod ko analyze kar raha hu ab main analyze kar raha hu x square minus 4 ka mod theek hai इसमें भी ऐसे आएगा x less than minus 2 तो y is equal to कोई दिक्कत नहीं है x square minus 4 x greater than plus 2 y is equal to x square minus 4 and y less than x less than 2 greater than minus 2 ठीक है ना तो मतलब equal to में भी चलेगा ठीक है ना तो equal to में भी चलेगा less than वाले में तो नहीं चलेगा ठीक है ना इसमें भी इक्वल टू चलेगा कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आना तो जीरो ही है तो वाई इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर चलो इक्वल टू इसमें भी डाल दो इन सब में इक्वल टू डाल ही यानी अगर मैं नंबर लाइन देखता हूं तो इन दैट केस देखो ट्रेंड्स कहां बदल रहा है एक माइनस वन एक माइनस टू एक प्लस वन और प्लस टू बीच में एक जीरो में बना देता हूं बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं इस केस में जीरो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता तो अगर मैं इस रेंज में जाता हूं है ना तो y इज इक्वल टू इस रेंज में क्या ना लेस देन माइनस टू तो ये भी आ रहा है लेस देन माइनस वन तो भी ये आ रहा है यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर यानी हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अगर मैं इस रेंज में जाता हूं है ना तो इसका तो वैल्यू बदलेगा सॉरी इसका x less than minus one है नहीं बदलेगा सॉरी नहीं बदलेगा हाँ नहीं बदलेगा
और इसका इसका इस रेंज में आ रहा था, नहीं बदलेगा, यानी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस, है ना, प्लस फोर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी हो गया वाई इक्वल टू फाइव। अगर मैं माइनस वन और जीरो के रेंज में आता हूं इन दैट केस इस वाले पे आ रहा, तो यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर और फोर माइनस एक्स स्क्वायर यानी फाइव माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस रेंज में आ गया फाइव माइनस एक्स स्क्वायर। इस रेंज में अगर देखता हूं, बल्कि तो पूरा ही हो गया मैं, है ना, पूरे में ही कर दू, और इस रेंज में अगर आता हूं तो ग्रेटर देन वन तो हो गया, एक्चुअली ये बिना एक्स एक्स गलती से वाई लिख दिया, ठीक है ना, तो ये ग्रेटर देन वन हो गया, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन, लेकिन लेस देन टू है ना, लेस देन टू है ये वाला, तो फोर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और फोर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो गया वाई इज इक्वल टू थ्री, और इसके बाद तो फिर से कोई साइन चेंज नहीं है, है ना, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन वन में ही आ गया और एक्स ग्रेटर देन टू में ही आ गया, यानी टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, यानी यहाँ पे हो गया y इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। ये हो गया इसके कंप्लीट एनालिसिस। अभी देखो ये क्वेश्चन तो ये तो एक ही पूछ रहा है, यहाँ पे यहाँ तो एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये वाला यहाँ पे तो एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि थ्री बाय टू पेश आए, तो थ्री बाय टू मतलब बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है 1.5, तो 1.5 पे तो y इज इक्वल टू थ्री कॉन्स्टेंट है, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना, डिफरेंशिएशन पूछा है। अगर किसी और रेंज में पूछा होता है ना, जैसे यहाँ पे पूछा होता, यहाँ पे पूछा होता या यहाँ पे पूछा होता, तो कुछ ना कुछ वैल्यूज आता, ठीक है, वो चीज, ठीक है। जैसे मान लो अगर पूछूंगा वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव थ्री पे, तो वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा फोर एक्स माइनस जीरो, तो माइनस थ्री, तो यानी फोर इंटू माइनस थ्री यानी माइनस ट्वेल्व, इस तरीके से, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे पूछता हूँ इस रेंज में, तो भी जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी y इज इक्वल टू फाइव कॉन्स्टेंट है ना, यहाँ पे y इज इक्वल टू थ्री कॉन्स्टेंट है। और अगर इस रेंज में पूछता हूँ तो डिफरेंशिएशन आएगा माइनस टू एक्स, जैसे अगर मान लो सपोज हाफ पे पूछता हूँ x इक्वल टू हाफ पे, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस टू एक्स, तो यानी माइनस टू इंटू हाफ यानी माइनस वाई, इस तरीके से, ठीक है ना, इज दैट ओके। और भी क्वेरीज आ रहा है क्या, देखते हैं, मैसेजेस नए नए आ रहे हैं। ठीक है फिर, अच्छा नेक्स्ट 30 भी है, y इज इक्वल टू फाइव कैसे है, y इज इक्वल टू फाइव, देखो लेस देन माइनस वन में एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना, और दूसरा क्योंकि इस रेंज में ना ये वाला काम कर, बिटवीन माइनस वन एंड माइनस टू ये वाला रेंज, तो फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लेस देन माइनस वन में वाई जीरो फाइव नहीं आ रहा है, है ना, थ्री आ रहा है, क्योंकि लेस देन वन में एक्स स्क्वायर माइनस वन है और इस वाले में फोर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ तो थ्री आएगा, फाइव नहीं आएगा, ये थ्री आएगा, ठीक है, मतलब कांस्टेंट है तो लाइक डिफरेंशिएशन तो जीरो है, ठीक है। माइनस वन से वन तक फाइव माइनस टू एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, फाइव माइनस, हाँ बिल्कुल 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 टू एक्स स्क्वायर, ठीक, क्योंकि एक में आ रहा है क्या बोलते हैं ये वाला वन माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा फोर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फाइव माइनस टू एक्स, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ओके। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक, वो अपना कैलकुलेशन कर लेना। अच्छा अभी लेट्स सी नाउ, ये मॉड का आई थिंक नाउ यू गॉट अ फेयर बिट ऑफ आइडिया, मॉड वाले क्वेश्चन थोड़ा मैकेनिकल होता है, इन द सेंस कि वो एक एक सेक्शन को एनालाइज करके है ना पूरा पिक्चर बनाना पड़ता है, प्लस लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, पर ठीक है, दैट्स आल्सो क्वेश्चन, हमें आई थिंक इतना ही करते हैं 33 तक, है ना, अब 34 ऑनवर्ड्स आ जाओ, दैट इज 34 टू इसमें एक पिक्चर में कितना है 60,
नाइन तक है, नहीं नहीं सॉरी 34 से 40 तक, 34 से 40 तो वैसे प्रोसीजरल है, मैं देख रहा हूँ कुछ ज्यादा वो नहीं है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड बेसिकली, थोड़ा लंबे लंबे क्वेश्चन है तो मेहनत है, बट आई थिंक प्रोसीजरल है। 37 के लिए बोल रहे हैं हमारा, ओके वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, तो शो करना है कि dy dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4। ठीक, चेक कर लेता हूं। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े रूटीन होते हैं, मतलब इन द सेंस कि मैकेनिकल क्वेश्चन होते हैं, कुछ खास देखने का जरूरत नहीं होता है। y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, तो ये आ गया। तो डिवाइड dx क्या हो जाएगा फिर, y डैश इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है ना, तो माइनस आ जाएगा। अब अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4 क्या है, है ना, इसको स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4 को लिख दो एज ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, है ना, तो 4 को मैंने लिख दिया ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो यानी अब ये बन जाएगा, ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab टाइप का बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, है ना, और वो उसके बराबर होता है y डैश, सो दैट इज इक्वल टू dy dx, ठीक है। ये बच्चे कर लो, बाकी तो देखो 39 को सॉल्व करो, डिफरेंस जैसे x by 2 और जो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है उसमें तो लगाओ तुम प्रोडक्ट रूल, है ना, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, और चलो इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, सिंप्लीफाई कैसे पता है, मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सिंप्लीफाई करने का, यहीं पे कर देता हूं, एंड दैट इज द क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ, यानी y इज इक्वल टू बेसिकली x बाय 2 इनटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a square by 2 into sine inverse of x by a, ठीक है ना, ये वो है। अब मैं काम करता हूं, मैं पुट करता हूं x को as equal to a sine theta, ठीक है ना, मैं पुट करता हूं जानबूझ के x को as a sine theta, तो क्या हो जाएगा, In that case, y हो जाएगा इक्वल टू, आप जरा ध्यान से देखो, a sin theta by 2, यानी a x है, a sin theta by 2 into a square minus x square, क्या होगा, a square minus a square sin square theta, तो a square into 1 minus sin square theta, यानी a square cos square theta, तो बाहर आएगा तो a cos theta, है ना, तो ये हो जाएगा a cos theta, तो ये हो जाएगा a square sin theta cos theta by 2, ओके, प्लस साइन इनवर्स एक्स बाय ए, अब एक्स बाय ए क्या साइन थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होगा थीटा, और ए स्क्वायर बाय टू, यानी प्लस प्लस ए स्क्वायर थीटा बाय टू, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखो मैं इसको लिख देता हूं, यानी वाई को मैं लिख सकता हूं क्योंकि टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन टू थीटा, तो मैं इसको लिख देता हूं ए स्क्वायर बाय फोर साइन टू थीटा, टू ए स्क्वायर by 4 sin 2 theta plus a square by 2 into theta, ये आ रहा है। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या लिखूंगा मैं, ना dy dx, है ना, तो देयरफॉर dy dx, b मुझे निकालना है,
is equal to dy d theta into d theta upon dx. तो dy d theta क्या आ जाएगा? ना 2 बाहर आएगा तो a square by 2 क्योंकि 2 बाहर आएगा तो वो cos 2 theta plus ये theta है ये तो a square by 2 ये आ गया this into d theta by dx ये तो आ गया dy d theta. तो d theta by dx तो वो कैसे आएगा? देखो अगर तुम dx upon d theta निकालोगे तो क्या आएगा वो देखो, उसको उल्टा करके dx by d theta by dx निकालो तो dx by d theta, देखो x equal to a sin theta तो dx by d theta क्या होगा? a cos theta is equal to a cos theta. यानी d theta by dx is equal to 1 upon a cos theta. ठीक है, फाइन. तो अब उसको मल्टीप्लाई करूंगा फिर 1 by a cos theta, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला. तो देयरफॉर dy dx फाइनली क्या आएगा? देखो a square by 2 ये हो जाएगा 2 sin theta cos theta, a cos theta खत्म हो गया तो a और sin theta बचे is equal to a sin theta plus है ना a square by 2a cos theta. तो ये तो कैंसिल हो जाएगा यानी a by 2 cos theta. बस अब sin theta a sin theta is nothing but x, तो x plus a by cos theta. तो sin theta x by a है तो cos theta क्या होगा? 1 minus x square by a square. तो 2 into under root of that's it. कुछ इस तरीके सिंपलीफाई कर सकते हैं. That's up to you. How to simplify is up to you. I mean these are methods of getting away from the question and doing it in a different way. Otherwise अगर तुम simple product rule और वो सब लगाना चाहते हो तो that's up to you. ठीक है ना, वो भी एक method. ठीक है ना, बाकी जो है product rule से करोगे तो ठीक रहे. But then you might say आपने ये क्यों किया? Actually इसके पीछे reason है. कई बार देखो हर question में हर चीज नहीं हो जाएगा, बट कई बार क्या होता है सब्स्टिट्यूशन करोगे अगर तो इन दैट केस देखना क्वेश्चन जल्दी खत्म. सो इट विल नॉट डिपेंड ऑन दैट केस. क्या इस बहाने मैंने थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया कि सब्स्टिट्यूशन का मेथोडोलॉजी कैसे हो. ठीक है ना, बाकी इट्स अप टू योर चॉइस ऑफ कोर्स वेदर टू डू और नॉट. डेफिनेटली यू आर फ्री टू चूज दैट. ठीक है, चलो आई थिंक लेट्स प्रोसीड नाउ. 31 और 35 वन तो पीछे रह गया. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट देखो ये सारे ना डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. 31, 35 जस्ट सिंपली अप्लाई दीज रूल्स. अभी जैसे क्वेश्चन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल थोड़ा सा बड़ा होगा बट ठीक है. दीज आर ऑल मैथ्स एक्सरसाइज. ये फिजिक्स एक्सरसाइज तो है, तो मैथ्स के एक्सरसाइज में देखो दो चार क्वेश्चन तो लंबा हो गए. कांट हेल्प इट. ठीक है ना, मैंने तो बोला था ना कि लाइक मैंने मैथ्स के बुक से दिया है. आई थिंक यू कैन ट्राई इट. और कोई आगे बढ़ो थोड़ा सा. 50s 60s में ये ना सारे रूटीन क्वेश्चन से मैं देख रहा हूँ. थोड़ा सा लंबे हैं अभी. ऑब्वियसली once you cross 30 questions in a maths book तो then obviously the questions will become slightly longer and longer. But mostly जो है ना routine ही है, कोई ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं है. ठीक है ना, proof वाले questions है देख रहा हूँ मैं. कुछ x y is equal to 1 then prove that dy dx plus y square is equal to 0, like straightforward question ही है. फिर end में आता है log वाले questions है ना, जैसे y is equal to x to the power sin x तो अब तो मिटा दिया है. बट y is equal to x to the power x करके दिया था मैंने आज ही. तो y is equal to x to the power sin x तो यानी वही log लेके करोगे है ना. फिर product rule and so on. 58
ठीक है। और 74 भी है, वो भी वही लॉग वाला ही क्वेश्चन है ना। तो पहले 58 देखते हैं, ठीक है ना। आई थिंक अब तो काफी एक्सपोजर मिल गया ना, तो आई थिंक नाउ यू कैन रीट्राई ऑल्सो, थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया अब, है ना। तो लेट्स पुट एन एंड समवेयर, क्योंकि अदरवाइज सारा यही डिस्कशन हो जाएगा, कुछ फिजिक्स का भी डिस्कस किया जाए, है ना। बोल रहे कि इफ ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई, यानी दिया हुआ है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, शो करना है डीवाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द माइनस ऑफ ई टू द पावर वाई माइनस एक्स, शो करना है डीवाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ माइनस ऑफ इन द पावर वाई माइनस एक्स, है ना। ठीक, तो एक एक टर्म को अलग अलग से डिफरेंशिएट करो, क्योंकि अगर मैं डिफरेंशिएट चारों तरफ दोनों तरफ करता हूं तो कैसे हो। तो जैसे ई टू द पावर वाई है, तो लेट्स टेक जेड एज इक्वल टू ई टू द पावर वाई, है ना। तो क्या हो जाएगा, डी जेड डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई ओनली, है ना। तो dz dx क्या हो जाएगा ना, into dy dx, तो dz dx क्या होगा इज इक्वल टू e टू द पावर y into dy dx, ये हमने पहले भी कर रखा है इस तरीके को। अब आ जाओ e टू द पावर x plus y, अब एक काम करो z को ले लो as e टू द पावर x plus y, ठीक है। तो इन दैट केस log z क्या होगा, एक्स प्लस वाई, तो देयरफॉर वन बाई जेड इंटू डी जेड डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस डीवाई डी एक्स, यानी डी जेड डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस डीवाई डी एक्स इंटू जेड, एंड जेड इज ई टू द पावर x plus y, ठीक है ना। तो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं तो फाइनल रिजल्ट क्या है, e to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e to the power x, अब मैं इसको डिफरेंशिएशन करके रिजल्ट लिखता हूं, प्लस e to the power y को डिफरेंशिएट किया तो क्या आया था, e to the power y डिवाइड x, e to the power y डिवाइड x, और राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट किया तो क्या आया था, ये मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूं, बट अदरवाइज क्या है ना कि जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा ना, देखना ये सब दोनों डायरेक्टली लिख लो, ठीक है। वन प्लस डिवाइड एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब एक काम करो, डिवाइड एक्स को कलेक्ट कर लो, कलेक्ट ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू डिवाइड एक्स एंड गेट द आंसर, है ना। एक क्वेरी है एंड दैट इज e टू द पावर x प्लस y को डिनोमिनेटर में ले जाए, एक्चुअली ना उससे और लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली ना फिर वो न्यूमरेटर आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, तो इज इक्वल टू वन जीरो आएगा, तो ठीक है, इट्स अप टू यू, उसमें क्वेश्चन रूल लगाना चाहता हूँ, मैं समझ गया, क्वेश्चन रूल लगाना चाहता हूँ, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अनदर वे। अब देखो मैथ्स में तो कोई वेल डिफाइंड वे हमेशा तो नहीं होता, तो देर आर डिफरेंट, मैंने यही बोला था इसलिए कि देर आर मेनी वेज, चलो मेनी ना हो बट देर आर फ्यू वेज इन विच यू कैन प्रॉपरली टारगेट ए क्वेश्चन। अब जैसे विद एक्सपीरियंस क्या होगा, ये जितना भी चीजें मैंने जानबूझ के दाएं साइड लिखा है, विद एक्सपीरियंस देखना ये सब तुमको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये तुम खुद कर लो, है ना, क्योंकि मैं पहली बार एक चीज ऐसे दिखा रहा हूँ जिसकी मैंने सारा डिटेल पे गया, बट थोड़ा सा और एक्सपीरियंस हो जाने दो, देखना ये सब कुछ नहीं करोगे, ये तो बिल्कुल एक लाइन भी तुम नहीं लिखोगे, ये देखना तुम डायरेक्टली लिख पाओ, तो थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद टर्म्स कलेक्ट करो एंड विल गेट द आंसर, है ना।
74, अच्छा 61 भी है, 61 बेटे खुद करो, अब हो जाएगा देख बड़े आराम से हो जाएगा। 61 में वही प्रोडक्ट रूल लगा दो, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल लगाओ आराम से हो जाएगा। एक्स के एक फंक्शन मानो, साइन ए प्लस वाई को एक फंक्शन मानो, यू विल गेट इट योरसेल्फ, ठीक है ना। 61 ट्राई करो और 74 भी उसी तरीके का ही है जो आज मैंने करके दिया था। आज मैंने दिया था x टू द पावर x, अब इन्होंने उसको कर दिया 1 प्लस 1 बाय x टू द पावर x, और एक है x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय x। तो स्टार्टिंग पॉइंट वही करो, स्टार्टिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस मत करो। स्टार्टिंग पॉइंट में क्या करो कि जैसे पहला वाला है 74 में 1 प्लस 1 बाय x टू द पावर x, तो एक काम करो इसको z ले लो, 1 प्लस 1 बाय x टू द पावर x। तो मैं लिखूंगा इस तरीके से, log z is equal to x into log 1 plus x by x, यानी log 1 plus x minus x log x। अब dz dx आ जाएगा। तो ये पहले टर्म के लिए आप देखो प्रोडक्ट रूल लगा लगा के आराम से कर लोगे, है ना, इतना क्या x कॉमन लेके भी कर सकते हो, योर चॉइस, आई एम लीविंग इट टू यू। फिर दूसरा टर्म है नाउ dz dx, गो अहेड डू इट। अब इसमें x कंबाइंड लेके करना चाहते हो फिर प्रोडक्ट रूल, है ना, या अलग अलग करके करना चाहते हो, आई लीव इट टू यू, दैट यू डू योरसेल्फ। इसके बाद जो सेकेंड टर्म है वो है x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय x, है ना, सेकेंड टर्म है x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय x, तो यानी उसको भी z ले लो, x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय x, यानी log z is equal to 1 plus 1 by x into log x, ठीक है। बस अब डिजिट डीएक्स निकाल लो, आ गया, है ना। तो अब इसका भी डिफरेंशिएशन आ गया और इसका भी डिफरेंशिएशन आ गया, तो y is equal to this plus this दे रखा, यानी डिवाइड डीएक्स क्या हो जाएगा फिर, ना इसका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट प्लस इसका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट, दोनों को ऐड करो एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। थोड़ा सा स्टेप्स होंगे ऑब्वियसली, बट इट वोंट बी एज लॉन्ग, डोंट वरी, ठीक है ना। 75 पी एक रिक्वेस्ट है, 75 ठीक है, तो इसमें तो वही है कि एक एक का प्रोडक्ट रूल लगेगा, जैसे cos x into whatever बाकी आएंगे, फिर प्लस बाकी सब कुछ सेम रहेगा, फिर साइन 2x का डिफरेंशिएशन, फिर बाकी सब सेम रहेगा, साइन 3x का डिफरेंशिएशन, है ना, यानी 3 cos 3x, इज इट, एंड सो ऑन। सो दैट्स द वे, आई मीन फिर उसको समेटना पड़ेगा, आई मीन लाइक यू कैन आइदर राइट इन सिग्मा फॉर्म और यू कैन जस्ट सी इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज कमिंग आउट टू बी कॉमन, ठीक है ना। जैसे अगर वाई को ही दोबारा लिखोगे तो दैट केस देखना कॉट के फॉर्म में आ जाएगा, है ना, तो वाई इंटू कॉट एक्स प्लस टू कॉट टू एक्स, है ना, प्लस टू कॉट थ्री एक्स, इस तरीके से आ जाएगा अगर वाई को कॉमन ले लेते, और डिपेंड्स ऑन व्हाट फॉर्मेट द आंसर इज, है तो चेन क्या बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, कि पहले साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर लो वो एक टर्म आएगा, ठीक है ना, उसमें कॉस एक्स इंटू बाकी प्लस साइन एक्स रहेगा, साइन टू एक्स वाला कॉस टू एक्स हो जाएगा टू टाइम्स, बाकी रहेगा एज इट इज। अब इन सब में तुम कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है ना, तो दैट कुड बी द प्रोसीजर। बाकी आंसर जिस फॉर्मेट में है उसके हिसाब से फिर आंसर को अरेंज करना, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इन दैट केस यू कैन गेट टू नो कि व्हाट फॉर्मेट द आंसर इज एंड अकॉर्डिंगली डिजाइन द आंसर, ठीक है ना, बिल्कुल। और एक स्टैंडर्ड तो वो है ही है, दूसरा है कि अगर मान लो इसको मैं वो ले लेता हूँ क्या बोलते हैं प्रोडक्ट है, तो लॉग में क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन टू एक्स, है ना,
प्लस लॉग साइन थ्री एक्स एंड सो ऑन, तो डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, वन अपॉन करके है ना इन टू कॉस एक्स, तो आएगा वही कॉट एक्स प्लस टू कॉट टू एक्स है ना, वही आना है। तो चाहे प्रोडक्ट रूल के थ्रू करो चाहे लॉग के फॉर्म से करो, एक ही बात, ठीक है ना। आंसर आ जाएगा कॉट एक्स प्लस टू कॉट टू एक्स प्लस थ्री कॉट थ्री एक्स, इस तरीके से पूरा अरेंज होगा, ठीक है। दैट इज योर 75। मैक्सिमा मिनिमा एक्सरसाइज पे भी आना चाहते हैं कुछ लोग है ना, बट एक काम करो, आई थिंक वी हैव डन एनफ, एक दिन में उतना मैथ्स भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा हम लोग अगले दिन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है उसमें मे बी वी कैन जस्ट क्विकली डू द ग्राफ। तो कुछ हमने ग्राफ्स किए थे उस दिन बाउंसिंग बॉल के, तो मैं चाहता हूँ कि हल्का सा जो है आइडिया बने बाकी है ना। क्योंकि हमने कल कुछ ग्राफ्स बना लिए थे, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बाकी पे भी डिस्कस हो जाए, क्योंकि ये वाला मैं चाहता हूँ कंप्लीट हो जाए, है ना। तो बाउंसिंग बॉल में डेटा तो मालूम ही है, मैं फटाफट कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करता हूँ। कल हमने कहाँ तक बना लिए थे, आई थिंक टी वाले सारे ग्राफ्स हो गए थे ना, टी वाले, यस सर, टी वाले सारे हो गए थे। चलो ठीक है, फिर आप एस वाले बनाए आज, उतना ही हो पाएगा मेरे ख्याल से। एस वाले सर, एक्स डिस्कस करने थे। अच्छा एक्स वाले बचे थे, एक्स वाला पता क्या ना एस से ही आता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वाले से ही आता है, ठीक है ना। तो अभी और उस पर टाइम नहीं करते, नया चीज करते हैं कुछ। एस एल एस वी एस एल डॉट एस ई, ठीक है, आई थिंक इतना ही चार करते हैं, ठीक है। तो देखो पहली बात तो रिलेशनशिप तो वही है एस और एल, है ना। तो एस और एल में क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो से स्टार्ट होके माइनस एट्टी फिर जीरो फिर माइनस एट्टी फिर जीरो फिर माइनस एट्टी फिर जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे वेरी कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस के साथ क्या होगा, जीरो एट्टी वन सिक्सटी टू फोर्टी थ्री ट्वेंटी फोर हंड्रेड एंड सो ऑन, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग। तो देयरफॉर जो ग्राफ बनेगा उसमें डिस्प्लेसमेंट तो होगा जीरो से माइनस एट्टी फिर माइनस एट्टी से जीरो फिर माइनस एट्टी, फिर माइनस एट्टी से जीरो फिर माइनस एट्टी एंड सो ऑन। और जो डिस्टेंस है ये माइनस एट्टी हो गया, और जो डिस्टेंस है वो हो गया एट्टी वन सिक्सटी टू फोर्टी 320, 400 एंड सो ऑन। ग्राफ समझ आ रहा है, देख लो एक बार चेक कर, इज द ग्राफ ओके। इतने सारे मैथ्स मैथ्स ही होता जा रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा जो है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ये डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाएगा, डिस्टेंस का नेवर इंक्रीज है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमेशा 45 डिग्री पे भी होगा। तो ये सारा 45 लाइन 45 डिग्री वाली लाइन। अब आ जाओ वी और एस का ग्राफ, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वी और एस दोनों जीरो से स्टार्ट हो रहा, और इसमें एस प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है ना, तो देयरफॉर जीरो से स्टार्ट होगा और उसके बाद x प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर वाला ग्राफ कैसे होता है, ऐसे या तो ऐसे है ना, लेकिन s कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं, तो देयरफॉर ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, s नेगेटिव में जाएगा और v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो पहले तो v भी नेगेटिव आएगा ऐसे। तो अगर मैं बाउंसिंग को ऐसे इमेजिन करूं, यहां से स्टार्ट किया 1 और फिर 2 है ना और फिर बैक टू 1, तो ये हो जाएगा 1 यहां से स्टार्ट हुआ फिर 2 हुआ, और जैसे ही बाउंस किया एकदम से पलट जाएगा वेलोसिटी यानी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी क्या होगा एकदम से यहां पे आ जाएगा और फिर पॉजिटिव से फिर जीरो फिर यहां। तो ग्राफ कुछ ऐसे होगा कि वन फिर टू फिर थ्री यहां है ना, यानी यहां से यहां और फिर एकदम से जंप और फिर यहां से,
That's how it goes. So back to one set two, this back, this two only. Yani two mein jump hai. Kyunki ho kya raha hai, dekho bouncing ke time, ki agar ye ground hai maan lo, to yahan pe zero se start hua, minus 40 pe strike kiya, ekdam se plus 40 ho gaya. Because we are assuming that it is happening instantaneously. Basically kya hoga? Zero se minus 40, ye dekho velocity minus 40 ho jayega, aur displacement minus 80, to ye ho gaya minus 80, और ये हो गया माइनस 40 और ये हो गया प्लस 40. चेक कर लो, ठीक है ना? इट्स ओके नाउ. देखो माइनस 40 और फिर प्लस 40. ओके, देख लो अच्छे से. चलो और उसके बाद आ जाओ डिस्प्लेसमेंट और स्पीड. तो डिस्प्लेसमेंट और स्पीड में फर्क क्या होगा ना? वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा, स्पीड तो कभी नेगेटिव होता नहीं. इसलिए इसका स्टार्ट यहां पे होगा. मैं काम करता हूं इसको यहां पे. इसका स्टार्ट यहां पे होगा वन से, है ना, और यहां जाएगा टू और फिर इन, यानी यहां से यहां फिर यहां से, यानी यहां से यहां जाएंगे फिर वापस आएंगे फिर जाएंगे फिर वापस आएंगे. इस तरीके से होगा. एक बार जरा एरो दे, ठीक है? इसे ग्राफ अच्छे से समझ लो, ग्राफ का फील जरूरी है. इज दैट ओके? ए और एस तो चलो आसान है, ए और एस में कोई दिक्कत नहीं है. ए और एस में क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो से स्टार्ट हो लेकिन एक्सेलरेशन माइनस 10 है, तो ये माइनस 10, फिर डिस्प्लेसमेंट चला जाएगा माइनस 80, फिर वापस आएंगे. यानी ये ग्राफ यहां जाएगा और फिर वापस आए, ये हो गया माइनस 80 और ये भी ऑब्वियसली माइनस 80 और ये हो गया 40, ठीक है, और ये हो गया माइनस 10 क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. दैट इज दीज फोर ग्राफ. तो हमने थोड़ा सा और कर लिया, कंप्लीट तो नहीं हुआ अभी. अभी तो जस्ट डिस्प्लेसमेंट वाला किया, अभी यू नो डिस्टेंस वाला बचता है, फिर वेलोसिटी वाला, एक्सेलरेशन वाला, फिर स्पीड वाला एंड सो ऑन. सो आई थिंक दैट वुड बी मोर लेस अ कंप्लीट एनालिसिस. लेकिन इस ग्राफ के ना सारे नुएंसेस फॉलो करो. कई बार ना चीजें लगता है चलो आप तो समझ में आ गया, ठीक है. आई एम प्रीटी रीजनेबली श्योर दैट मस्ट हैव ऑल गॉट अ फील बाय नाउ, मस्ट हैव अंडरस्टूड क्वाइट अ फ्यू थिंग्स बाय नाउ. बट बाउंसिंग बॉल एक ऐसे केस है विच विल एक्चुअली टेस्ट योर आइडियाज, है ना, और बिना आइडियाज के जो है ना ग्राफ नहीं बन पाएंगे, ठीक है. तो पार्शियली हमने मैथमेटिक्स से हेल्प लिया, पार्टली एंड पार्टली विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स आइडियाज, एंड देन जक्स्टापोजिंग द टू वी हैव मैनेज्ड टू ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है. फिर आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, है ना. वी विल कंटिन्यू टुमारो. अब तो काइनेमेटिक्स भी हम लोगों ने शुरू कर ही दिया, तो लाइक आई थिंक दो तीन क्लास और लगेंगे काइनेमेटिक्स पे. दो तीन तो मैं तो शायद नहीं होगा, अच्छा एक दो तो डाउट सेशन ही है. आई होप यू आर ऑल अवेयर बाय नाउ कि सिलेबस तो वही है बट लेकिन एरर्स नहीं है. सिलेबस का मैं बता देता हूं, सिलेबस में यूनिक डायमेंशंस है लेकिन एरर्स नहीं, ठीक है, नंबर वन. नंबर टू इज दैट मैथ टूल सारे हैं, यानी कैलकुलस वगैरह और भी जितने भी सीखा है हमने, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह वो सारे हैं, ठीक है. तो देयरफॉर योर फर्स्ट सीपीटी इज ऑन मैथ टूल्स एंड यूनिट डायमेंशंस, एरर्स इज नॉट देयर, ध्यान रखना. एरर वाला पार्ट नहीं दिया जा रहा है क्योंकि एक आध बैच में इट सीम्स कि नहीं हुआ है, ठीक है ना. वेक्टर्स हैं, हाँ सॉरी वेक्टर तो पूरा ही है, मैं वो भूल गया था, वेक्टर पूरा ही है. तो हाँ मतलब मैथ टूल्स वेक्टर पूरा, डॉट क्रॉस एड सब्ट्रैक्ट सब कुछ, और यूनिट डायमेंशन एरर में से एरर नहीं, यूनिट डायमेंशन. सिग्निफिकेंट फिगर्स तो नहीं आएगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे क्वेश्चन आते भी, मतलब जेई एडवांस में तो नहीं आते, ठीक है. मेंस में कभी कभार आ जाते हैं, तो हम तो एडवांस के पैटर्न में चल रहे हैं, तो उसमें ये सब नहीं आएंगे, ठीक है ना. ध्रुव हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन, दैट इज ग्राफ के क्वेश्चन आते कैसे हैं. तो देखो एक तो हमने अभी ग्राफ के ऊपर काफी एक्सपोजर कर लिया, तो अभी हमने क्वेश्चन एक्चुअली देखा तो किया ही, ये एक्चुअली थ्योरी समझ, दिस इज दीज ग्राफ्स आर स्टिल एक्चुअली बिल्डिंग अप योर फंडामेंटल्स. अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अगर कल डाउट होता है तो डाउट करेंगे और नहीं तो क्वेश्चन तो करेंगे, ठीक है.
है ना, ग्राफ के इक्वेशंस का. फाइन, चलो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन टुमारो. सीपीटी कब होगा इज अ क्वेश्चन बेटे, अगले वेडनेसडे. तो आज तो फ्राइडे हो गया, कमिंग वेडनेसडे इज अ सीपीटी. सर पहला फिजिक्स का? हाँ जी, पहला फिजिक्स का ही. पसंद नहीं है फिजिक्स पहले? कोई और सब्जेक्ट चाहते थे? बट अब तो डिसाइड हो गया, खैर अब तो डिस्कशन नहीं है. सर टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग्स वही सुबह होगा, मतलब आई थिंक एक घंटे का शायद होगा, तो लाइक 8 to 9 या कुछ इस तरीके से. ठीक है ना भाई? चलो हाँ, सीपीटी एवरी वीक होगा बेटे श्रेयसी, दैट्स राइट. सीपीटी विल बी हैपनिंग एवरी वीक. तो अभी फिजिक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो अगले वीक में केमिस्ट्री, मैथ्स या जो भी सीक्वेंस होगा वो तो दोनों को बता दिया जाएगा. ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स इट. थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय बाय.